जिससे मिलती है स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुता की गारंटी, जो बताता है हमारे हक और हमारी जिम्मेदारियां, जिसने पूरे विश्व में भारत को दी एक अलग पहचान, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारत का संविधान। जानेंगे संविधान विशेषज्ञों से सरल और सीधे शब्दों में, संविधान की पाठशाला में, सिर्फ यूसीएन बुद्ध पर। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विक्रांत पांडे। मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच में। जैसा कि वो यूसीएन बुद्धा ने एक भी नया जो प्रोग्राम शुरू किया है संविधान पे, संविधान की पाठशाला, उसी के अंतर्गत आज मैं कुछ विषय लेके आपके सामने आ रहा हूँ। हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पे हम बात करेंगे कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसके अधिकारों का हनन होने पर वो किस तरह से उच्च न्यायालय को अप्रोच कर सकता है। भारत के किसी भी कोने में जितने भी उच्च न्यायालय हैं, एक सामान्य व्यक्ति अगर उस पर किसी तरह का, उसके जो मूलभूत अधिकार है संविधान द्वारा जो दिए गए हैं, अगर उसका हनन होता है तो वह किस तरह से उच्च न्यायालय को अप्रोच कर सकता है, इस पर हम, इस विषय पे मैं थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे संविधान में अनुच्छेद 226 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 226 अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अगर उसके किसी भी मूलभूत अधिकार जो कि संविधान के पार्ट 3 में अनुभूत हैं, अगर वायलेट होते हैं, हनन होता है सरकार द्वारा या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा, तो वह डायरेक्टली सीधे तौर पर हाईकोर्ट में अप्रोच कर सकता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट्स द्वारा उस व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर सकता है। इसमें सबसे पहले समझना बहुत आवश्यक है कि रिट्स होते क्या हैं। दरअसल रिट्स यह एक तरह की आप शक्तियां कह सकते हैं, या आम भाषा में कह सकते हैं कि यह एक तरह की यंत्रणा है, यंत्र है जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से उच्च न्यायालय को यह संविधान द्वारा शक्तियाँ दी गई हैं कि वह भारतीय नागरिक कि अगर किसी भी मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होता है या हनन होता है तो वह उसकी रक्षा कर सकता है। रिट्स के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह शक्तियां प्राप्त हैं कि यह कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है, उसके अंतर्गत यह दिया जाता है। तो रिट्स 5 तरह के होते हैं, या यूं कहिए कि 5 होते हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंट। मूलतः यह रिट्स का जो कॉन्सेप्ट है यह इंग्लिश लॉ से आया हुआ है। इंग्लिश कॉमन लॉ में रिट्स हुआ करते थे, इसे अब हिंदी में उसे एकदम स्पष्ट शब्द नहीं दिया गया है, तो उसे कहते हैं प्रीरोगेटिव रिट्स। तो इंग्लैंड में यह होता था कि सपोज मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है किसी सरकारी यंत्रणा द्वारा, तो उसमें किंग्स कोर्ट जो होते थे उन्हें यह शक्तियाँ प्रदान थी कि वह इस तरह के रिट के माध्यम से उस विशेष एजेंसी जिसने, जिसके द्वारा अधिकारों का हनन हुआ है, वह वैसा ना करे, उसे रोका जाए। ठीक उसी तरह से हमारे जो संविधान के रचनाकार थे उन्होंने यह बहुत ही सुंदर चीज़ को हमारे संविधान में भी लाया, और रिट्स के अंतर्गत हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय को यह शक्तियाँ प्रदान की गई कि वह अगर किसी व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है तो वह हाईकोर्ट को सीधे तौर पर अप्रोच कर सकता है। तो पहले समझते हैं हम रिट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस अंग्रेजी में कहें तो इसमें कहा जाता है कि शो योर बॉडी। कहने का अर्थ यह है कि भारत में आप किसी भी भारतीय नागरिक को बिना किसी अधिकार के आप उसे डिटेन नहीं कर सकते, आप उसे बंदी नहीं कर सकते। अगर ऐसे में जैसे कि संविधान यह कहते हैं, संविधान में यह बहुत ही स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस मशीनरी किसी भी चीज़ के लिए डिटेन करती है, पुलिस स्टेशन लाती है, तो वह उसे 24 घंटों के अंदर उसे कोर्ट के सामने लाना ही होगा। अगर वह यह नहीं करती है तो यह उसके अधिकारों का, जिसे कहा गया है पर्सनल लिबर्टी, उसका उल्लंघन है। और यह उल्लंघन करना अर्थात
संविधान में जो मूलभूत अधिकार उसे दिए गए हैं उसका उल्लंघन हुआ। तो ऐसे में अगर ऐसा कोई आता है केस तो 226 के अंतर्गत सीधे तौर पर हाईकोर्ट जाया जा सकता है और हाईकोर्ट में कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया गया है, उसे तत्काल छोड़ा जाए, रिलीज़ किया जाए। भारतीय कानून में ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें यह देखा गया था कि व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया गया, तो जब उसमें अप्रोच किया गया तो उच्च न्यायालय ने सीधे तौर पर प्रश्न किया कि आपने उसे व्यक्ति को क्यों डिटेन कर रखा है। तो इसमें सरकारी एजेंसियां नाकाम रही सही उत्तर देने में कि बिना कारण बताए आप कैसे डिटेन कर सकते हो। तो हाईकोर्ट ने उसे रिलीज़ करने के तत्काल दिशा निर्देश उनको जारी किए। दूसरी रिट आती है मैंडेमस। मैंडेमस का अर्थ होता है कमांड। उच्च न्यायालय को यह शक्तियाँ प्रदान है कि वह डायरेक्टली कमांड दे सकता है किसी भी सरकारी यंत्रणा को अगर उसके द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है। तो अगर कोई एजेंसी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और जो कानूनी तौर पर अधिकार उसे प्राप्त हैं किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए लीगल कोई भी उसका लीगल राइट है जो उसे कानून द्वारा प्राप्त है और सरकारी यंत्रणा उसे वह अधिकार नहीं दे रही है या उसे अधिकारों का उपयोग करने नहीं दिया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में वह व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय को 226 के अंतर्गत अप्रोच करके यह बोल सकता है कि उसे कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं जिस अधिकार का उपयोग उसे नहीं करने दिया जा रहा। तो उच्च न्यायालय मैंडेमस की रिट इशू करके उस व्यक्ति को वह अधिकार दिला सकते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं। सबसे ज़्यादा जो उपयोग में आने वाली रीट है वह मैंडेमस ही है। आप सपोज़ मान लीजिए कि आप सरकारी नौकर हैं, मान लीजिए कि आम आदमी हैं, आप किसी सरकारी यंत्रणा के पास जा रहे हैं कुछ काम के लिए, कुछ भी कार्य है आपको, जो उस यंत्रणा को ऐसे दिशा निर्देश थे कि उसने वो करना चाहिए था और वो नहीं करती है। एक राशन कार्ड से लेके लाइसेंस से लेके रोज़मर्रा में कोई भी चीज़ जिसमें जिस विशेष यंत्रणा को यह शक्तियाँ थी कि उसने आपको राशन कार्ड देना चाहिए था, यह लाइसेंस देना चाहिए था जो कि आपका कानूनी हक था, लेकिन उस कानूनी हक को आपको नहीं दिया गया, उसका हनन कर लिया गया उस यंत्रणा द्वारा, सरकारी यंत्रणा द्वारा, तो आप उच्च न्यायालय को बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं कि वह इस मामले में संज्ञान ले। उच्च न्यायालय अगर वहाँ अगर यह दिखता है उच्च न्यायालय को कि सही में आपके संवैधानिक अधिकार कहें या कानूनी हक जो था उसका हनन हुआ है, तो उच्च न्यायालय उस विशेष एजेंसी को या यंत्रणा को यह दिशा निर्देश देगा। तीसरी जो रीट है वह है सर्शोरी। सर्शोरी के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह शक्तियाँ दी गई हैं संविधान द्वारा कि वह कनिष्ठ न्यायालय द्वारा, अगर कनिष्ठ न्यायालय को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वह उसके अंतर्गत वह अपने न्यायिक क्षेत्र जिसे जुरिसडिक्शन कहा गया है अंग्रेजी में, उससे आगे जाकर कुछ फैसले लेती है या कोई त्रुटि है जिसमें जो कि उच्च कनिष्ठ न्यायालय को दिए गए न्यायिक क्षेत्र से बाहर अगर जाके वो कुछ फैसले लेती है, तो अगर कोई एरर कमिट करती है तो उच्च न्यायालय को यह सर्शोरी के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त है कि वह उस फैसले को बदले, उसे करेक्ट, उसे ठीक कर सकती है। मान लीजिए कि आपने कोई फौजदारी या दीवानी मामला आपका प्रलंबित है और आप उसमें फैसला आता है और आप उस फैसले में यह पाते हैं कि कनिष्ठ न्यायालय ने जो फैसला दिया है वह फैसला देने का उसे अधिकार ही नहीं था, वो न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर अगर कुछ उसने फैसला दिया है, तो आप उस चीज़ को, उस गलती को उच्च न्यायालय के सामने बिल्कुल रख सकते हैं सर्शोरी के अंतर्गत। सर्शोरी के अंतर्गत उच्च न्यायालय उस एरर को रिमूव कर सकता है, उस फैसले को बदलने का हक उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा दिया गया है। चौथी रिट पे हम आते हैं, इसे प्रोहिबिशन कहा गया है। प्रोहिबिशन के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह शक्तियाँ प्राप्त हैं कि अगर कोई सरकारी यंत्रणा या कनिष्ठ न्यायालय या कोई सार्वजनिक कार्यालय सरकार का अगर वह कार्य कर रहा है जो कार्य करने के उसे हक ही नहीं थे,
तो वह कार्य होने से पहले आप उच्च न्यायालय को प्रोहिबिशन के अंतर्गत यह दरखास्त कर सकते हैं कि यह व्यक्ति या यह सार्वजनिक कार्यालय या कनिष्ठ न्यायालय जो करने जा रहा है यह करने का उसे हक ही नहीं है, तो उस कार्य को रोकने का पूर्णतः हक उच्च न्यायालय को प्राप्त है संविधान द्वारा। उच्च न्यायालय रीट इशू कर सकता है प्रोहिबिशन की उस यंत्रणा को और उसे रोक सकता है। पांचवी रीट जो है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो के अंतर्गत आपको यह अधिकार दिया जाता है कि आप पूछ सकते हैं कि कोई भी सरकारी यंत्रणा या सार्वजनिक कार्यालय या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खुद को बता रहा है या खुद को दिखा रहा है कि मैं इस यंत्रणा से हूँ और मुझे यह करने के हक है, तो आप उसे यह पूछ सकते हैं कि आपको यह अधिकार कैसे प्राप्त हुआ, आप किस हक से यह कार्य करने जा रहे हैं, आप उसकी अथॉरिटी जो है उसे पूछ सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो गलत है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस ऑफिसर बता रहा है या कोई नेता बता रहा है या कोई मान लीजिए कि खुद को विधायक कहता है जो कि वो है ही नहीं और पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो जब पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है और आपको यह लगता है कि वो व्यक्ति पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का उसे कानूनी हक ही नहीं है, तो आप इस चीज़ को क्यू वारंटो रीट के अंतर्गत चैलेंज कर सकते हैं उच्च न्यायालय के समक्ष। उच्च न्यायालय को क्यू वारंटो रीट के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्यू वारंटो रीट इशू करके उस व्यक्ति से उसकी अथॉरिटी पूछ सकती है और अगर उच्च न्यायालय यह पाता है कि उस व्यक्ति को ये करने का हक नहीं था, वो व्यक्ति वो नहीं है, तो वो उसे रोक लगा सकती है। ये तो बात हो गई रीट्स की। हमारे इतिहास में कानूनी इतिहास में कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जहाँ पर उच्च न्यायालय ने रीट्स का उपयोग करते हुए या कहीं रोज़मर्रा के जीवन में रोज फाइल होने वाले केसेस में यह देखने मिलता है कि कई लोगों के अधिकार जो कि पार्ट 3 के अंतर्गत दिए गए हैं सुप्रीम को संविधान द्वारा उसका हनन किया गया है, तो वह व्यक्ति उसे उच्च न्यायालय के समक्ष रख सकता है और दरखास्त कर सकता है कि उच्च न्यायालय इसमें संज्ञान ले। सेम तरह का एक अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को भी यह शक्तियाँ दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में अनुच्छेद 226 और 232 जैसा कि मैंने बताया 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त है कि वह आम जो भारतीय नागरिक है उसके मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर सकता है निर्देश जारी करके। उसी तरह से अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को भी यह अधिकार है, लेकिन यह बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे कानूनी इतिहास में कई ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें यह बहुत स्पष्ट दिखता है कि 226 के अंदर हाईकोर्ट को जो शक्तियां प्राप्त है वो बहुत बड़ी हैं तुलना करें उन शक्तियों से जो कि 32 के अंदर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ जो फंडामेंटल राइट्स है मूलभूत अधिकार उसी अगर उससे संबंधित कुछ हनन है तो ही रिट्स इशू कर सकता है, लेकिन 226 के अंदर उच्च न्यायालय को ये प्राप्त है कि वह कोई भी दिशा निर्देश जारी कर सकता है कोई भी जिसमें उसे लगता है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन इसमें ये दो तीन बातें रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हाईकोर्ट 226 के अंदर आपके रिट्स इशू कर सकता है और आपके हितों की रक्षा तभी कर पाएगा जब आपका कोई उसमें कानूनी हक बनता है। अगर वहाँ अगर कानूनी हक नहीं बनता है तो हाईकोर्ट आपकी पिटीशन को मेंटेनेबल नहीं करार देगा। मान लीजिए कि किस दो व्यक्तियों का प्राइवेट झगड़ा है निजी वाद है तो हाईकोर्ट उसमें रिट्स इशू नहीं कर सकता है। उसी तरह से ही कॉन्ट्रेक्चुअल जो मैटर्स हैं उसमें भी हाईकोर्ट रिट्स इशू नहीं कर सकता सिर्फ और सिर्फ अगर आपके लीगल राइट अर्थात कानूनी हक अगर उसका वायलेशन होता है उसका हनन होता है सिर्फ तभी उच्च न्यायालय को यह संविधान द्वारा शक्तियां प्राप्त है कि वो आपके हितों की रक्षा कर सके रिट्स को इशू करके। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ मूलभूत अधिकारों के हनन पे ही कार्रवाई करेगा। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय केवल सरकारी यंत्रणा द्वारा ही अगर आपका हनन अधिकारों का हनन हो रहा है तो ही कार्रवाई करेगा ऐसा नहीं है, इसे वहाँ तक लिमिट नहीं रखा गया है। इसके बियॉन्ड जाकर भी उच्च न्यायालय आपके हितों की रक्षा कर सकता है। अगर इवन कोई अगर प्राइवेट बॉडी भी आपके
अधिकारों का हनन कर रही है। अगर वह प्राइवेट बॉडी सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित है, अगर पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है, तो उच्च न्यायालय उसे भी दिशा निर्देश जारी कर सकता है। बिन्नी लिमिटेड वर्सेस सदाशिवम, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि अगर रिट्स न केवल सरकारी यंत्रणा तक ही सीमित नहीं है, इसे कोई निजी यंत्रणा भी अगर करती है हनन कर निजी किसी निजी प्राइवेट बॉडी द्वारा भी अगर इसका हनन होता है मूलभूत अधिकार का किसी भारतीय नागरिक का, अगर वह यंत्रणा प्राइवेट बॉडी पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज करती है, तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को यह अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध भी रिट्स को इशू कर सकती है। ठीक उसी तरह से जी टेलीफिल्म लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी प्राइवेट बॉडी अगर पब्लिक फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है और उससे उसके उस फंक्शन से कहीं ना कहीं आम आदमी के अधिकार अगर जुड़े हुए हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को ही यह शक्तियाँ प्राप्त है कि वह रिट द्वारा उसे दिशा निर्देश जारी कर सकता है। संविधान में अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्तियाँ प्राप्त है कि वह कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है संपूर्ण न्याय के लिए। अगर सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि यह ऑर्डर की ज़रूरत है उस व्यक्ति या उस पीड़ित पे संपूर्ण न्याय देने के लिए, तो वह ऐसे ऑर्डर्स जारी कर सकता है। ठीक उसी तरह से हाई कोर्ट को भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि हाई कोर्ट भी 226 के अंतर्गत अगर हाई कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति के हितों के लिए किसी दिशा निर्देश की आवश्यकता है, संपूर्ण न्याय के लिए संपूर्ण न्याय करने के लिए मांग है कि यह दिशा निर्देश उसे जारी करने चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल जारी कर सकता है। आम आदमी को यह पता होना चाहिए सरकारी यंत्रणा द्वारा कभी न कभी आपके हितों का हनन होगा या नहीं होगा, नहीं होना चाहिए वैसे तो, बट अगर होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप उच्च न्यायालय का दरवाज़ा कभी भी खटखटा सकते हैं। इसी तरह से यह छोटी सी जानकारी मैंने आपके सामने रखी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जय संविधान, नमस्कार।